दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो एक अनुभव के साथ में कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं और इस संबंध में, क्योंकि एक प्रत्यक्षीकरण की चीज़ें हैं और जहां तक हो सके कि किसी भी सिद्धि को करने के लिए उसके बारे में जानना और उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उसको समझना भी बहुत आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसा ही एक साधक हैं, उन्होंने अपने बारे में पूछा है कि क्या वो इस तरह की साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और उनका इतिहास किस तरह का है और पितृपक्ष में वो किस तरह की साधना करने चाहते हैं। जैसे कि 20 तारीख को मेरा एक प्रकाशित वीडियो था, उसमें जो है शक्तिशाली पितृदेव सिद्धि साधना थी, उसी साधना को ये करना चाहते हैं और साथ ही इनके जीवन में पहले क्या घटित हुआ है और किस आधार पर उसके ये योग्य हैं या नहीं है, यही उन्होंने आज के वीडियो में पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं उनके पत्र को, साथ ही साथ देंगे उनके प्रश्नों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, विषय है शक्तिशाली पितृदेव सिद्धि 20/9/2019 को जो प्रकाशित की गई थी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपका शिष्य ये साधना पूर्ण कर सकता हूँ या नहीं, कृपया मेरी छोटी सी कहानी जिसे मैं आपको बताता हूँ इसे जानकर ही आप तय करके मुझे बताइए कि मैं ये साधना करने के योग्य हूँ या फिर नहीं हूँ, और अगर मैं योग्य हूँ तो यह साधना मैं आने वाले अगले वर्ष की पितृपक्ष में करना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक मैं आपके आशीर्वाद से गुरु मंत्र का 900,000 जाप पूर्ण कर चुका होऊंगा। साथ ही मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आपसे मेरी जानने की अभिलाषा है। मेरी जो छोटी सी कहानी है वो इस तरह से है कि गुरु जी, मैं धमतरी जो है छत्तीसगढ़ एक स्थान है वहाँ का रहने वाला हूँ और आपका एक शिष्य हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आप जैसा एक सच्चा गुरु मिला है जो मेरे कई सारे प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा दिए गए वीडियोस के माध्यम से स्वतः ही दे देते हैं, यानी मिल जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी, मेरे दादाजी उस समय से ही स्वयं फांसी लगाकर चल पड़े, मतलब चल बसे थे, क्योंकि इनके दादाजी ने जो है स्वयं का देहांत स्वयं ही कर लिया था। तो इसी कारण से पूछ रहे हैं कि जिस समय मेरे पिताजी यही कोई 6 या 7 वर्ष के रहे होंगे, इसी वजह से बात यह है कि मैंने अपने दादाजी की सूरत को ही नहीं देखा है। मेरे दादाजी के 6 पुत्र और 2 पुत्री थीं, जिनमें 2 उनके बड़े पुत्रों और 1 बड़ी पुत्री का जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो इस तरह की इनकी स्थिति है। अभी कहते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं वो सबसे छोटे हैं, जिनका जो है बड़ा बेटा मैं हूँ, यानी कि जो इनके पिताजी हैं उनका सबसे बड़े बेटे यही हैं। क्योंकि मेरे दादाजी का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए जब मेरे माँ बाबूजी की शादी हुई तब इन्हें रहने के लिए वही कमरा मिला जिस कमरे में मेरे दादाजी ने आत्महत्या की थी। मेरे जन्म तक तो सब कुछ सही था, मेरे माँ बाबूजी बताते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जन्म के बाद से ही मेरे जीवन पर ऐसा भारी संकट आन पड़ा कि मुझे बचा पाना जलती आग में हाथ डालने जैसा ही था। चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी अचानक से तेज बुखार जो है वो चढ़ जाता था, सांसें रुक जाती थी और कई बार इस तरह की परेशानियां होती गईं। डॉक्टरों के पास रोते रोते दौड़ना, तांत्रिकों के द्वारा झाड़फूँक करवाना, और झाड़फूँक कराने पर उस दिन भर जो है राहत मिलती थी और दूसरे दिन फिर उसी तरह की बात हो जाती थी। आप समझ सकते हैं कि एक नवजात शिशु के साथ शुरू से ही ये मुसीबत हुई रहोगी, माँ बाबूजी को कितना झकझोरा होगा, मैं ये सब सोचकर ही सिहर जाता हूँ। मेरे बाबूजी बताते हैं कि जैसे तैसे करके उस समय मैं अपने पूर्वजों की एक छोटी सी जमीन पर एक छोटा सा घर बनाया था और फिर उस घर को छोड़ करके इस नए घर में सब लोग आ गए, तब ही इन सारी परेशानियों से लाजे है छुटकारा मिला। तब से लेकर आज तक उस घर में हमारे परिवार के सभी लोग उस घर को छोड़कर दूसरे दूसरे घरों में रहने लगे। आज तक वो मकान, जिस मकान में रहते हैं, वो बिल्कुल सूना ही पड़ा हुआ है। तो ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात ये है कि मेरे दादाजी के दादाजी और उनके भी दादाजी, फिर उनके भी से भी पहले के ज़माने के जो है बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी तांत्रिक फैमिली ये रही है। जो लोग हमारे कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे,
लेकिन समय के साथ साथ न जाने ऐसा क्या हुआ कि हमारे कुल देवी देवता बिगड़ गए, ऐसा हमारे परिवार वालों का मानना है और कहना है कि यही नहीं, सच जितना है मैं वही जानता हूँ, वहाँ उस घर के हमारे खानदान के जो परिवार रहते थे उनके साथ भी बुरा हुआ, कई लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए और दो लोग पागलपन की अवस्था में अभी भी भटक रहे हैं, और जो समय रहते उस घर से बाहर निकलकर अलग घर में रहने लगे वही आज जीवित हैं। कुल इस प्रकार से आज हमारा जो कुल देवी देवताओं का जो घर है वो बिल्कुल सूना और खाली पड़ा हुआ है। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपके सानिध्य में आया हूँ तब से मुझे अज्ञानता रूपी मिट्टी से चेतना का प्रसार हुआ है, जिससे मुझे भी यही लग रहा है कि क्या हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं या वो हमसे बिगड़ चुके हैं। ये तो है मेरे मन के प्रश्न गुरु जी, क्या सही है या क्या नहीं आप ही तय करके बताइए। अगर मैं इस साधना को करने के योग्य हूँ और अगर मेरे पूर्वजों का यही इशारा है तो मैं इस साधना को करूँ, अगर गुरु जी आपकी आज्ञा दोगे तो ही मैं जो है इस साधना को ये करना चाहते हैं। तो ये आगे आने वाले पितृपक्ष में इस साधना को करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर देने के लिए इन्होंने कहा है मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। साधना के संबंध में सबसे पहली बात इन्होंने पूछी है रुद्राक्ष माला, गुरु माला का उपयोग करना है कि अलग से रुद्राक्ष माला लेनी है, पूजन विधि, पूजन सामग्री, पूजन में बैठने की दिशा, मुख किस में होगा, आसन पुतला को रखने के लिए कौन सा कपड़ा जरूरत है कि नहीं है, कपड़े पहनने का जो कपड़ा होगा वो सिला हुआ हो या बिना सिला हुआ हो, स्थान दादाजी वाले कमरे यानी जहाँ उन्होंने आत्महत्या की वहाँ की अन्य स्थान क्योंकि वो मकान पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, मिट्टी यानी दादाजी के कमरे में जो मिट्टी की दीवार या जमीन है क्योंकि पहले ज़माने में हमारे पूर्वज मिट्टी के जो है भड़के बनाते थे और सदा सड़ा हुआ तहस नहस हो गया है, और तालाब का कुछ घर वगैरह भी बन गया है, मतलब यानी वहाँ काफ़ी कुछ टूट टाट गया है, ऐसी स्थिति है। हवन सामग्री क्या होगी, हवन पूर्ण करने के बाद क्या क्या विसर्जित करना होगा ये आपने पूछा है, साथ ही साथ उपवास रखते हुए करना है या सामान्य ढंग से, आप मेरे गुरु हैं तब भी क्या मुझे मिट्टी का पुतला बनाना होगा, माता पिता की आज्ञा लेनी होगी या मैं सीधे ही मंत्र जाप कर सकता हूँ, यदि मिट्टी का पुतला बनाना ही पड़ेगा तो क्या पितृपक्ष से पहले बनाना है या फिर पितृपक्ष से बाद में बनाना है, ये इनके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न मैं उन केवल आप के लिए नहीं, यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ ये सभी लोगों के लिए है, वो सारे लोग जिन लोगों के पूर्वज बिगड़ चुके हैं या जिन लोगों को पितरों से सिद्धि चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, उनके लिए ये साधना उनके लिए ही बनाई गई थी और बहुत ही गोपनीय साधना है जो मैंने अभी प्रकाशित की थी। अब बात करते हैं कि उस आखिर पितृपक्ष की या पितृ की जो सिद्धि होती है उसको क्या क्या उसकी स्थिति, यहाँ पर क्योंकि आपने जो सबसे कठिन सवाल यहाँ पे पूछ लिया है, कारण ये है क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों के जो पितृ होते हैं वो कोई उनकी आत्मा जो है अपनी स्वयं को किसी को कष्ट नहीं देकर बनी हुई होती है, उनके अपने कर्मों की वजह से वो अपने पितृलोक में गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। आपके जो पूर्वज हैं यानी कि दादाजी, उनकी मृत्यु इस तरह से हुई है कि वो एक आत्महत्या है, यानी कि इसको हम अलग तरह से देखेंगे, ये आत्मा इनकी जो है वो पितृयोनि में अवश्य है लेकिन एक प्रेत आत्मा की तरह आप समझ लीजिए, क्योंकि जो लोग भी आत्महत्या करते हैं वो प्रेत बन जाते हैं, तो आप यहाँ पर प्रेत सिद्धि ही कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी, लेकिन इस विधि से कर रहे हैं तो सिद्धि तो आपको मिलेगी क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से आपके साथ उनकी सिद्धि के दौरान बहुत सारी स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं और बहुत ही खतरनाक साधना ये साबित हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन सिद्धि मिल जाने पर आप बहुत कुछ कर पाएंगे, इसलिए मन को पक्का करने के बाद ही साधना करें, क्योंकि बहुत बुरी परीक्षा आपकी हो सकती है या आप वो ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही संतुष्ट नहीं रहे हैं अपने जीवन से, किसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की होगी तो उसी वजह से उनके जो भाव स्वभाव और जो उनके गुण हैं वो आपके अंदर आने लगेंगे, इसलिए अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तो उन प्रभावों से आपको अपने आप को बचाना जरूरी पड़ेगा, अगर आप नहीं बचाते हो तो फिर आपकी स्थिति अपने दादाजी जैसी ही होने लगेगी, तो आप भी आत्महत्या के स्वभाव या विचार अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जैसा जिसको साधता है व्यक्ति वो वैसे ही उसके गुण स्वभाव को ग्रहण भी करता है, इसीलिए गुरु मंत्र का 9 लाख जाप करने से पहले बिल्कुल ये सोचे भी मत कि यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात, गुरु मंत्र से अपनी सुरक्षा रक्षा पूरी तरह से करेंगे, हर प्रकार से अपने शरीर को जो है प्रभावित कर लेंगे, हर प्रकार से सुरक्षा घेरे में ले लेंगे, हर चीज़ को इस तरह से करेंगे कि आपकी पूरी सुरक्षा बनी रहे।
तभी इस साधना को करेंगे। साधना के बाद या साधना के दौरान अगर वो आपकी भीषण परीक्षा लेते हैं और आपके साथ कुछ बुरा करने की सोचते हैं तो आप गुरु शरण ले लीजिएगा। उस समय गुरु मंत्र की शरण पूरी तरह से ले लीजिएगा अगर आपकी स्थिति आपके हाथ से निकल जाए। अगर नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और आपके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है या इस तरह की कोई बुरी सोच आपके अंदर आती है तो साधना बीच में रोक दीजिएगा, क्योंकि उस साधना को करने से फिर आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मूलतः आप जो आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं वो आपके दादाजी की है। आपके दादाजी में दूसरी आत्माओं के आने से पहले आपको अपनी दादाजी की आत्मा से जो है सारा वार्तालाप और बाकी चीज़ें करनी है, और उनका रूप स्वरूप जो हम जानते हैं कि खतरनाक हो चुका है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या स्वयं की थी और वो तांत्रिक थे। यहाँ पर बात समझने वाली है क्योंकि तांत्रिक होने की वजह से आपको उनको वश में करने में बहुत समस्या आने वाली आ सकती है। कोई भी तांत्रिक आत्मा को वश में करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फायदा ये होता है कि जब तांत्रिक आत्मा वश में हो जाती है तो फिर आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। अब सवालों के ले लेते हैं आपके। पहला आपने कहा है कि रुद्राक्ष माला, तो देखिए जो आपने गुरु माला का उपयोग करते हैं जिस माला से, उस माला से जाप नहीं करना है। इसके लिए आपको अलग एक रुद्राक्ष माला लेनी होगी, उसी से आपको जाप करना होगा। क्योंकि जिस मंत्र में जैसी ऊर्जा होती है आपकी जो माला होती है उसमें वही ऊर्जा आती है, इसलिए अगर आप गुरु माला से जाप करेंगे तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें जो है पहले से ही माँ की शक्तियाँ मौजूद हैं। अब दूसरी बात है कि पूजन विधि, पूजन सामग्री, पूजन में बैठने की दिशा, मेरा मुख किस दिशा में। पूजन विधि मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना, साधारण सी विधि है। पूजन में सामग्रियाँ बिल्कुल जैसे किसी देवता की पूजा की जाती है लगभग उसी तरह की, धूप दीप वगैरह सब आपको लगाना है, रखना है बिल्कुल जैसे साधारण सब किया था उसी तरह लगभग करना है। हाँ, बैठने की जो दिशा है आपकी वो दक्षिण दिशा की ओर होगी, आपका मुँह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आसन सफ़ेद रंग का होना चाहिए, और जो आप कह रहे पुतला रखने के लिए कौन सा आसन या कपड़ा, तो उसको भी आप अगर पटरा हो उस पटरे के ऊपर रख दीजिए और उस पटरे के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए सफ़ेद रंग का पूरी तरह से, और उसके ऊपर वो पुतला आपको रखना है। और वो रखना जरूरी है क्योंकि वो प्रतीक होता है उस आत्मा और या उस शक्ति का। अगर मामला कुछ गड़बड़ होगा या कल को जाकर के आपको उस शक्ति को विसर्जित करना होगा तो उस पुतले को ही आपको नदी में या फिर गड्ढा खोद के उसको विसर्जित करना होगा, तभी वो है उस आत्मा से आप मुक्ति पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मामला बिगड़ रहा है या आप चाहते हो कि उसको विसर्जित आपको कर देना चाहिए, तो अगली इसके बाद जो है पहनने का जो कपड़ा है वो बिना सिला हुआ या सिला हुआ, ऐसी कोई खास विशेषता इसकी नहीं बताएगी, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्थान जो है दादाजी वाले कमरे, यानी जिन्होंने आत्महत्या की वह स्थान, क्योंकि वो मकान पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है, ये बहुत ही उपयुक्त है स्थान आपके लिए। लेकिन याद रखिए कि आपको, क्योंकि वो एक प्रेतयोनी में है और साथ साथ तांत्रिक भी हैं, इसलिए मन को कड़ा करके ही साधना करिए क्योंकि वो हर प्रकार से आपको परेशान कर सकते हैं। मिट्टी की जो संबंधी जो है दीवार वगैरह जो आप कह रहे हैं उस जगह पर, उससे जो भी कुछ भी हो गया हो लेकिन वो जगह आपके लिए ठीक है उस जगह पर, और वहीं की मिट्टी से अगर आप जिस स्थान पर उन्होंने आत्महत्या की उसी से मिट्टी से अगर आप प्रतिमा बनाते हैं तो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। हवन सामग्री में आपने पूछा है हवन करने के बाद क्या क्या विसर्जित करना पड़ता है। कुछ नहीं, आपको हवन बिल्कुल साधारण विधि से करना है, और जैसे हवन सामग्री होती है उसी का साधारण बिल्कुल विधि से उस साधना को कंप्लीट कर लेना है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हो सकता है आपसे जब वचन ले या बाकी चीज़ें करें तो उनको भोजन आपको हो सकता है देना पड़े, तो आप ये उनकी और आपके बीच की बात है। और याद रखिएगा किसी भी साधना में सिद्धि से पहले आप उनसे वचन तीन तरह के अवश्य ले लिया कीजिए, और यहाँ पर भी आपको वचन जरूर ले लेना है वरना फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई निशानी अगर आप मांगना चाहो उनसे तो वो निशानी भी ले सकते हो। और वचन के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो आपसे कुछ ऐसी शर्त रखते हैं जिसको आप पूरा नहीं कर सकते या कल को वो खंडित हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे करके सोचते हुए और तभी उनको जो है उस चीज़ का वचन आप देंगे। अब आप कह रहे हो कि उपवास रखते हुए करना है या सामान्य ढंग से, तो देखिए साधनाओं में उपवास रखने की आवश्यकता तो बड़ी देवताओं में होती है, इनमें नहीं होती, लेकिन एक टाइम आप भोजन कीजिए और सफ़ेद रंग के भोजन को ही खाना है आपको। सफ़ेद रंग में का भोजन का मतलब है आप दूध पी सकते हैं, खीर खा सकते हैं, या जैसे सफ़ेद चीज़ें जो जो होती हैं उनका इस्तेमाल आप भोजन में एक टाइम कर सकते हैं। एक टाइम वैसे खाना चाहिए, जब भी साधनाएँ करें एक टाइम खाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता पूजा करने के लिए ज़रूर पड़ती है लेकिन इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है कि आप सो जाएं, तो इसलिए एक टाइम भोजन कहा जाता है कि कभी भी कोई साधना कीजिए तो एक टाइम भोजन करना चाहिए।
आपने पूछा है कि आप मेरे गुरु हैं, तब भी क्या मुझे मिट्टी का पुतला बनाना होगा, माता पिता की आज्ञा लेनी होगी, या मैं सीधे ही मंत्र जाप कर सकता हूँ? देखिए, मैंने जो आपको बताया वो गुरु मंत्र के लिए चीज़ें आती हैं। गुरु मंत्र के लिए आप जो भी आप आज्ञा लेके कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई तांत्रिक विधि या तंत्र को सिद्धि की बात होती है, वहाँ पर गुरु सहायक होता है, लेकिन सिद्धि आपके और उस जिससे आप जिसको आप सिद्धि करना चाहते हैं उसके बीच की बात होती है। तो वहाँ पर तांत्रिक नियमों का पूरी तरह से पालन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी नियम कानून छोड़ सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। जैसी विधि होती है, जिस तरह का उसका सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसे ही चलना होता है, क्योंकि जरा सी भी इधर उधर चूक होगी तो फिर आपको सिद्धि तो नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाती और फिर वो साधनाएँ बिगड़ जाती हैं, बहुत सी स्थिति खराब हो जाती है। तो संभालने के लिए गुरु साधना होती है, वो चीज़ को संभाल लेती है, बचा लेती है आपको, और सिद्धि में आपकी सहायता भी करती है, और आप जो है उस शक्ति से दबते नहीं हो, उसे वो हरा देते हो। इसीलिए गुरु आवश्यक होता है, गुरु मंत्र आवश्यक होता है। लेकिन जिसको सिद्ध करना चाह रहे हो उसके अनुसार तो आपको चलना ही होगा, तभी वो आपको अपना रास्ता देगा और आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा, वरना वो आएगा नहीं या शामिल भी नहीं होगा। इसलिए मिट्टी से आपको पुतला भी बनाना होगा, माता पिता की आज्ञा भी लेनी होगी, और उनके पैरों के जो से जो जल निकलता है, यानी जिस पैर को आप धुलेंगे उसी पानी से वो मिट्टी को बनाना है, उस मूर्ति को आपको बनाना होता है, ताकि आपके माता पिता का जो अंश है, जो आपके पूर्वजों से आ रहा है, वो अंश उस मिट्टी वाले पुतले में आ जाए। तो आप पूछ रहे हैं कि यदि मिट्टी का पुतला बनाना ही पड़ेगा तो क्या पितृपक्ष से पहले बनाना है कि पितृपक्ष में? आप जब उसको स्थापित करते हो ना, कहते हैं ना मूर्ति तो कभी भी बन सकती है, आप चाहे उसे पहले बना के रख लीजिए या बाद में उसी दिन बना लीजिए, लेकिन जब उसको स्थापित किया जाता है, जब उसका पूजन किया जाता है, तभी उसको प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है। यानी कि माना जाता है कि आपके अंदर एक शक्ति आ गई है, उस मूर्ति के अंदर अब शक्ति आई है, बाकी तो वो मिट्टी ही है। तो वो मिट्टी का पुतला पहले बना के रख सकते हैं, और जब स्थापित करेंगे, जब धूप दीप से उसे नैवेद्य वगैरह देंगे, तो वो उसमें ऊर्जा का संचार हो जाएगा। अब वो जो पुतला है उसके अंदर आप उस शक्ति को अपना सिद्धि प्राप्त बना सकते हैं, वो पुतले के अंदर विस्थापित उसको, मतलब आप जो उनकी आत्मा है उनको उस पुतले के अंदर रख सकते हैं और कह सकते हैं कि आपका ये स्थान है, आप इस मूर्ति के अंदर रहिए, और जो जो मैं आपसे कहूँ तब आप बाहर निकलिएगा, जो जो काम करने हों काम करिएगा, बाकी आप जो है इसी मूर्ति के अंदर रहिए। उस मूर्ति को जो है लोगों से नज़र से आप बचा के रखिएगा और उसको बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा, कोई वह कभी टूटने ना पाए। जिस दिन वो टूट जाएगी उस दिन भी वो आत्मा आज़ाद हो जाएगी। तो ये थे आज के इनके कुछ प्रश्न और साथ ही साथ अनुभव कि क्या ये सिद्धि कर सकते हैं या कोई भी इस पितरात्मा वाली सिद्धि को कैसे कर सकता है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।